इजरायली सेना रफा के और भीतर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स के लड़ाके इजरायली सेना पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। जी हाँ, रफा जंग इतनी भीषण होगी ये आईडीएफ ने भी सोचा नहीं था। रफा को लेकर अब तो इजरायली सैनिकों के माता पिता भी उसे एक मौत का जाल मान रहे हैं और इजरायली रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से रफा हमले को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। दरअसल गाजा का रफा शहर मिस्र से लगा हुआ है और यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। ऐसे में नागरिक आबादी के बीच हमास ने अपना बहुत मजबूत नेटवर्क बना रखा है। इसके अलावा रफा की जमीन के नीचे सैकड़ों सुरंगें भी हैं, जो आईडीएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस सबके बीच अल कासिम ब्रिगेड्स ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि रफा से उसे उखाड़ फेंकना आईडीएफ के लिए सपना ही रहेगा। दरअसल रफा में इजरायली टैंकों पर अल कासिम के लड़ाकों ने कहर बरपा कर रख दिया है। इसकी तस्दीक हमास का ये वीडियो करता है, जिसमें सामने से आ रहे इजरायली सैनिकों और उसके टैंकों पर अल कासिम का रॉकेट फट पड़ता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है। इसके बाद अल कासिम का लड़ाका तुरंत खुद को छिपाते हुए खंडहर पड़ी इमारत के बीच भाग जाता है। आपको बता दें कि पूरी घटना जबालिया कैंप की है। हालांकि इस पूरे हमले में इसराइल की 35वीं पैराट्रूपर ब्रिगेड के 5 सैनिक मारे गए हैं और अन्य 8 सैनिक घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया है। आईडीएफ के मुताबिक मारे गए सैनिकों में एक अधिकारी भी है, जो जबालिया की एक बिल्डिंग में मारा गया है, जिसे बूबी ट्रैप से हमास के लड़ाकों ने उड़ा दिया था। और जबालिया कैंप के बाद एश्केलोन में भी अल कासिम ब्रिगेड्स ने एक बड़ा मिसाइल हमला किया है। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि हमास का एक लड़ाका हरियाली के बीच छिपकर पहले तो मिसाइल को एक लॉन्चर में भरता है और उसके बाद फिर उसे एश्केलोन की तरफ फायर कर देता है। इस हमले के बाद जबालिया कैंप में अल कुद्स ब्रिगेड्स की इजरायली सैनिकों से बहुत ही भीषण भिड़ंत हुई है। हमास द्वारा जारी किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके सीधे मिरकावा टैंक के सामने आकर उसके ऊपर रॉकेट दाग रहे हैं। इस दौरान उनकी आईडीएफ के सैनिकों के साथ गोलीबारी भी होती है। और जब ये हमला हो रहा था, उसी वक्त जबालिया कैंप में अल कुद्स के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर एक स्नाइपर ऑपरेशन भी किया। अल कुद्स के वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सामने एक इमारत में आईडीएफ का जवान अपनी पोजीशन लिए होता है और उस पर अल कुद्स का एक लड़ाका स्नाइपर राइफल से फायर कर देता है। वही दूसरी तरफ अल कासिम ब्रिगेड्स के लड़ाके भी इसी दौरान आईडीएफ के खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं। यहाँ पर अल कासिम के लड़ाके इजरायली सैनिकों और उनके वाहनों पर मोर्टार गोले तक डाल देते हैं, जिससे आईडीएफ के सैन्य वाहन तबाह हो जाते हैं। अल कासिम के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके दूर खड़े इजरायली टैंकों और सैनिकों को एक झटके में रॉकेट से उड़ा देते हैं। इसी वीडियो में घनी हरियाली के बीच हमास का एक और लड़ाका रॉकेट लॉन्चर के साथ दिखता है, जो देखते ही देखते आईडीएफ के ऊपर रॉकेटों की झड़ी लगा देता है। तो